हाय फ्रेंड्स, आई एम सागर। एम काजल। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक मसूद जी का बयान है बर्थडे मनाना इन इस्लाम। हाँ। मतलब बर्थडे की मनाना अच्छा है या नहीं बुरा है, क्योंकि आजकल बर्थडे का बहुत क्या मतलब है उसका? मतलब बहुत लोग बर्थडे मनाने लगे आजकल। हाँ। बर्थडे का क्रेज है सबके ऊपर, बर्थडे का केक और सब मुंह पे डालना। मेरे ख्याल से बर्थडे ज्यादातर किसी के फ्रेंड का बर्थडे हो ना तो देखना चाहिए, तो वीडियो में क्या पता है। ये देखते मौलाना टिकटॉक पे तो बर्थडे की बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इस्लाम धर्म क्या कहता है बर्थडे के बारे में? हाँ। सेलिब्रेशन के बारे में कुछ ये जानना है, और चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। आप जब अपना यौमे पैदाइश मनाते हो तो आप गोया ये चीज मना रहे हो कि मैं मौत के एक साल मजीद करीब हो गया। ये मेरा जवाब गौर से सुनना। इंसान जितना ज्यादा मौत के करीब होता है उसको खुशी नहीं उतना गम उसका बढ़ता है। ऐसे भी लोग हैं सालगिरह वाले दिन उनकी मौत वाकई हुई है। मैंने खुद अखबार में एक शख्स के बारे में पढ़ा, एक कोई सियासतदान था, जिस दिन सालगिरह थी उस दिन मौत हुई है उसकी। वो खुशी मना रहा है कि मैं 58 साल का हो गया, मौत का फरिश्ता रह रहा है तो कब्र के बिल्कुल करीब हो गया। यही वजह है कि लोग साल अपनी उम्र कम करके बताते हैं। अब देखो, आप मिसाल के तौर पर 40 साल के हो गए, आज 40 साल के हुए तो आप केक काटर में 40 का हो गया, जब 40 का हो गए तो पब्लिक को 38 क्यों बताते हो, 35 क्यों बताते हो मैं 35 का हो गया? लोग उम्रें छुपाते हैं ना भाई, जितना कम उम्र होता है उसको लोग अच्छा समझते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपको खुशी नहीं हो रही, तो फिर केक काटना ये मस्नूई खुशी है, इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक है वैसे कोई लॉजिक ही नहीं बनती इसकी। ये बहुत ही उल्टा हमकाना किस्म का काम है मस्नूई खुशी, इसलिए ये बेतुकी रस्म है। हम इसको नाजायज इसलिए कहते हैं कि इसकी कोई तुक नहीं बनता इसका। आप मौत के करीब हो रहे हैं, खवातीन जब सालगिरह मनाएंगी तो सालगिरह का मतलब क्या है? आज मैं 38 साल की हो गई, अब मैं 39 की हो गई, अब केक काटो। हालांकि 39 की होने से खातून को खुशी हो रही है, गम हो रहा है। हमारे एक रिश्तेदार खातून का अभी इंतकाल हुआ, 60-65 साल उनकी उम्र थी। मैंने रिश्तेदारों से ताजियत की, मैंने कहा वो उनकी उम्र कितनी थी? उन्होंने कहा वो उनका भी कुछ दिन पहले फोन आया था तो कह रही थी मैं 35 साल की हूं, और 4 दिन के बाद इंतकाल हो गया उनका। हालांकि 35 साल सेहत अच्छी थी तो 35 साल में मरने का उनका। मैंने कहा जब मैं बच्चा था उस वक्त वो 35 साल की थी, अब भी वो 35 साल की, 35 कहते कहते दुनिया से चली गई, लेकिन सालगिरह वो भी मना रही है कि अब मैं 36 की हो गई, अब मैं 37 की हो गई। इसका मतलब है उम्र बढ़ने से उनको तकलीफ हो रही है, तभी तो उम्र कम करके बता रही है। तो आप सालगिरह की खुशी जब करें जब आप 35 के हों, लेकिन फरिश्ता आके कहे कि आप हुए तो 35 के हैं मगर अल्लाह के इल्म में 34-33 के हो गए, पीछे चले गए, आपकी उम्र 2 साल आपको इंक्रीमेंट लग गया है, अभी उम्र बढ़ गई है आपकी, तो आप कब्र के करीब हो रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, तो इसमें आप अंदरूनी तौर पर खुश होते नहीं, खाम एंटरटेनमेंट के लिए हा हा हु ही करने के लिए, तो भाई वैसे ही हंस लो यार बैठ गए। तो इसलिए हम इसको खिलाफ, ये बिदत नहीं है, बिदत उसे कहते हैं दीन में इजाफा, ये दीन में इजाफा नहीं है, इसे कोई मजहब समझ के नहीं करता। बास चीजें ऐसी होती हैं जो बिदत होती हैं, बास चीजें ऐसी होती हैं जो बेतुकी होती हैं, ये बिदत नहीं है, ये बेतुकी रस्म है, खालिसतन अंग्रेजों से अडॉप्ट की है, जिसका कोई तुक नहीं बनता। सच बात है, अंग्रेजों से ही हमने अडॉप्ट किया है, मतलब अंग्रेजों ने ये रस्म छोड़ के गए हैं। और एक एक काटना, मोमबत्तियां बुझाना, क्योंकि मेरे ख्याल से मोमबत्तियां तो लगानी चाहिए ना, मोमबत्ती कैंडल्स मोमबत्ती लगानी चाहिए, और ये बुझाते हैं ना केक पे फूंक मार के सब बुझा दे, अंधेरा कर देते हैं। तो बर्थडे की रस्म मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा लगता था नहीं, मेरे में क्या है ना, किसी का बर्थडे होता है ना तो ऐसा लगता है मेरा भी होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, और मैं इनको बोलती हूँ, लेकिन ये कभी बर्थडे की रस्म मानते नहीं। मुझे बर्थडे पहले से ही अच्छा नहीं लगता मनाना। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बोलो, लेकिन बर्थडे नहीं, कोई उस केक में तो इसका एड्रेस हो जाता है यार कुछ भी बात बोल दो वो ला के दूंगा, लेकिन बर्थडे नहीं।
ये इन्होंने कभी बर्थडे नहीं मनाया और मेरा भी नहीं मनाती। और मैं हमारे यहाँ केक 300 रुपये में मिलता है, 300 रुपये में एक साड़ी आ जाती है बहुत अच्छी सी, क्यों 300 की साड़ी, मैं तो कभी नहीं पहनी 300 की साड़ी। तीन सौ हाँ की साड़ी, ये वाली साड़ी 300 की, एक कपड़ा 300 का है, मतलब ये इस दुपट्टा है। दुपट्टा है, पर ये जो कपड़ा है इसका, ये ऐसी साड़ी 300 में मिल जाती है यहाँ पे। आप मुझे ऐसी लेंगे तो ले लीजिए, कुछ आप नहीं प्रॉब्लम यार, तुम कुछ खेत में भी काम ले, करती हो, ऐसे नहीं पहनने में क्या आप प्रॉब्लम। कुछ भी ले लो, मुझे अच्छा ही लगेगा क्योंकि प्यार से ली हुई चीज़ 2 रुपए की हो या 2 हज़ार की हो अच्छी ही लगती है, तो प्यार से देनी चाहिए ना कि कंजूसी से देनी चाहिए। तो वीडियो तो बहुत नहीं अच्छा नहीं था सच में। और मेरे ख्याल से मुझे पता खेत में अच्छी नहीं, साड़ी पहन के जाओगी, तुमको काम करने के लिए आएगा क्या? जाने दो ना आप मुझे, मत लो ना, मैं बोल रही हूँ कि आपको लो मुझे मैं साड़ी, बोल तो रहा हूँ के हिसाब से तुमको नहीं साड़ी चाहिए मुझे मिलेगी। साड़ी। मेरा अभी बर्थडे था ना, कितने 27 अगस्त को मेरा बर्थडे था, तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं लिया, तो जाने दीजिए। क्या है ना नहीं, कि बर्थडे के नहीं बाद भी इसने बहुत कुछ लिया है मुझसे। कुछ नहीं लिया, नहीं बहुत तो कुछ लिया नहीं है। लिया आपसे, क्या लिया मैंने, आपको कुछ नया नहीं दिखाई नहीं दिया मुझे सब नहीं, वो क्या दिखाई देगा क्या हो, मतलब कपड़े नए से, ये फिर दुपट्टा है सिर्फ, नहीं लेकिन मुझे आपको आपको एक चीज़ बतानी है कि मैं मानती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था दूसरे बर्थडे मना रहे तो मैं भी मनाऊं, लेकिन इनका बयान सुन के मेरे में नहीं, पहले से ही बर्थडे नहीं मनाते हम लोग नहीं और आगे भी नहीं मनाते मनाएंगे इसका, मनाते तो कभी नहीं नहीं, किसी है, किसी का नहीं मनाएंगे। मनाते तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मुझे लगता था कि यार ये कितनी कंजूस है और सब मनाते हैं, मेरा बर्थडे कभी नहीं मनाते, खुद कभी नहीं मनाते और मुझे भी नहीं नहीं मनाने देते, ऐसा लग बर्थडे नहीं रहा था मनाते। मुझे क्योंकि, लेकिन अभी इस बयान को सुन के मुझ में बहुत सी सुधारणाएं होगी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कभी और सोचूंगी भी नहीं मन ही मन में। तो वीडियो बहुत अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आप भी बर्थडे का ये जो क्रेज है थोड़ा सा कम कर दीजिए, बच्चे का क्योंकि मनाएंगे बच्चे पहला का 5 साल बर्थडे, तक मनाना ठीक है लेकिन आगे का पहला नहीं। बर्थडे मनाएंगे। हाँ क्योंकि ये अंग्रेजों की, और अंग्रेजों की चीज़ हमें नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने हम पे भी राज किया है, आप पे भी अंग्रेजों का राज कुछ किया नहीं है। चाहिए हमको, ऐसी रस्म भी नहीं चाहिए। हाँ तो अंग्रेजी भाषा भी आप हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुझे बहुत बुरी लगती है, मुझे आती ही नहीं इनको आती है, मैं मुझे भी आती नहीं है, मैंने अंग्रेजी वो, तो अभी यूज करना पड़ता है यूट्यूब में। हाँ तो वीडियो आपको पता है मुझे भी आती है, इनको भी आती है, वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजों की नहीं है, नहीं क्या। मतलब वर्ल्ड लैंग्वेज, मतलब सब पूरे वर्ल्ड में यूज होती है। तो वीडियो तो बहुत ही अच्छा था और बहुत अच्छी सीख मिली पिछले वीडियो में भी अभी भी, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, क्या नई सीख मिलेगी।